आपका क्वेश्चन है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, दैट इज सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360 degrees। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं सम ऑफ All angles in quadrilateral, ठीक है, in quadrilateral is equal to 360 degrees। ठीक है, अब इसने रेशियो दे दिया है, रेशियो ये 3:5:9:13, तो हमारा रेशियो क्या है, तो हम वही लिखते हैं रेशियो इज इक्वल टू 3:5:9:13। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकलता है हमारा, जब हम फुल कट करके बाहर निकालते हैं, सपोज जो कट हो गया हमारा सब में कॉमन था दैट इज एक्स, तो हमारा हो गया 3x:5x:9x:13x। ठीक है, अब हमको निकालना है 3x का, तो जब हम इसका 3x का निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 3x/टोटल, तो टोटल हमारा कितना होगा 3+5=8, 8+9=17। ठीक है, 17+13 इज कितना हो गया हमारा 17+13, सबको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 30x, तो डिवाइडेड बाय 30x इनटू नंबर ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स दैट इज 360। ठीक है, x कट गया 3 एंड 30 कट गया, ये आ गया 10, ये कट कर गया हमारा हो गया कितना 36 degrees, 3 का कितना हो गया 36 degrees। ठीक है, अब हम लेंगे phi का, तो क्या होगा हमारा 5x/30x(360), तो हमारा क्या हुआ 0 से 0 कट गया 1, ये 12, x कट गया 5×12=60 degrees। ठीक है, नेक्स्ट इज 9, तो हमारा क्या होगा 9x/30x(360, 0 0 x x 3 12, तो कितना हो गया 9×12=108, तो हमारा आया 108 degrees। नेक्स्ट इज 13x, तो 13x का हमारा क्या होगा देखते हैं 13x/30x(360, 0 0 x x 3 12, तो 13×12 कितना होता है करके देखते हैं हम यहाँ पर 13×12, 2 3 6, 2 1 2, 3 and 1, हमारा आया 156, तो ये हमारा आ गया 156 degrees। अगर ये चारों का सम करोगे यू विल गेट 360 degrees। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, तो हम करके देखते हैं 156 ये वाला आ गया, नेक्स्ट 60 degrees ये वाला हो गया, फिर 36 हो गया और 108, तो इनको ऐड करो 6 6 12 12+8 20, 2 carry 2+3 5, 5+6 11, 11+5=16, 1 carry 1 2 and 3, 360 degrees, that means हमारे ये चारों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने क्या बताया है, इट्स अ पैरेललोग्राम।
तो हम पैलोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा पैलोग्राम है। ठीक है, दैट इज ए बी सी एंड डी। फिर इसने क्या कहा, डायगनल्स, तो हमारा एक डायगनल इज ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डायगनल हमारा क्या होगा, बी एंड डी। ठीक है, अब इसने जो कहा है वो हम लिख लेते हैं। पहला इसने कहा गिवन, गिवन में इसने क्या कहा, इट्स अ पैलोग्राम। गिवन, गिवन में इसने दे दिया ए बी सी डी इज पैलोग्राम। ठीक है, अब पैलोग्राम हो गया, तो पैलोग्राम में अगर है तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड दूसरा क्या होगा हमारा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हो गया। ठीक है, और क्या हुआ हमारा, अब जब ये आ गया तो इसके हिसाब से हमारा क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमारा एक चीज और आ गई इसमें, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, दूसरा क्या आया हमारा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पैरेलल भी नहीं होंगे, है ना, तो ये दो चीज हमारी निकल के आ गई। अब इसके अंदर इसने क्या बताया, इफ द डायगनल्स ऑफ पैलोग्राम्स आर इक्वल दैट मींस ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसने गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि इट्स अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए आपकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट शुड बी अ पैलोग्राम। हमारा पैलोग्राम है ये। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी हमारी। थर्ड क्या है हमारा, कि वन साइड, वन एंगल इज 90 डिग्रीज। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होती है देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो इसके हिसाब से जो उसने दे रखा है, पहला दे रखा है इट्स अ पैलोग्राम, तो दैट मींस हमारी ये प्रॉपर्टी फुलफिल है, पैलोग्राम। फिर इसने कहा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमारा यहां पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमको प्रूव करना है कि वन एंगल इज 90 डिग्रीज, एक एंगल हमारा इसमें कम से कम एक एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, अब 90 डिग्रीज प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे आप 90 डिग्रीज प्रूव कर सकते हैं, ए डी सी बी, इनको आपको 90 डिग्री प्रूव करना है कि इट शुड बी अ 90 डिग्रीज। ठीक है, कैसे प्रूव होगा, अगर आप कोई भी डायगनल बना रहे हो तो वो क्या कर रहा है, इट बाइसेक्स, क्या, इट बाइसेक्स द एंगल्स ए एंड सी,
और B और D में बना रहे हो तो B को और D को bisect कर रहा है ये. एंड पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी और होता है, क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो उसके इसके हिसाब से क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल हो गए. लेकिन हमको क्या प्रूव करना है, इट शुड बी अ 90 डिग्रीज. 90 डिग्रीज, ठीक है. तो क्या करेंगे अब हम लोग, इसको लगाओ थोड़ा सा ध्यान कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलो. अब हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल हमारा ये वाला होगा, एक ट्रायंगल हमारा ये वाला होगा. कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल्स, ठीक है. तो इसमें हमारा क्या आएगा और इसमें हमारा क्या आएगा, तो जो हमने लिखा है उसके हिसाब से हम इसको बना देते हैं. हमने बताया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. और एट द सेम टाइम हमने ये भी बता दिया कि डायगनल्स आर कॉमन, डायगनल्स आर सेम, है ना. तो अब क्या होगा हमारे, करते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है. तो जब हमने ए बी डी लिया तो ए बी इज इक्वल टू दूसरा वाला क्या है हमारा, ये वाला ए बी सी है और एक है हमारा ए बी एंड डी. तो दोनों में क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन. ठीक है, सेकेंड सेकेंड क्या है हमारा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी. तीसरा क्या है हमारे, दोनों डायगनल्स लिए हमने तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये वाला ए सी इज इक्वल टू बी डी. तीनों क्या है हमारे, बाई एस 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 रूल, कॉन्ग्रेंट रूल से हमारे क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी एंड सी. इसकी वजह से हमने क्या किया, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी को क्या किया, इक्वल कर दिया बाई सीपीसीटी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सीपीसीटी, ठीक है, हो गया हमारा ये. अब क्या है, हमने ये लाइन ए डी एंड बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी और हमने, ठीक है, और हमने ट्रांसवर्स क्या लिया, ए बी इज आवर ट्रांसवर्स, ठीक है. तो क्या होगा हमारा, ए डी और बी सी को हमने पैरेलल ले लिया और ए डी ए बी को हमने ट्रांसवर्स ले लिया. तो अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल ए एन प्लस एंगल बी इज कितना, 180 डिग्रीज. एंगल ए प्लस एंगल बी
is equal to 180 degrees. क्या है? Same side of transverse. Of transverse. ठीक है. तो लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है angle A is equal to angle B. CPCT किया हुआ है. तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 2 angle A is equal to 180 degrees. Therefore, angle A is equal to 90 degrees. ठीक है? तो ये क्या हो गया? One angle should be 90 degrees. ये भी हमारा हो गया. तो आगे आप लिख सकते हो, therefore, it is a rectangle. It is a rectangle. ठीक है?